जिस आराध्य देव के दर्शन के लिए लोगों ने कड़ी कड़ी साधनाएं की, जिसकी एक झलक पाने के लिए वैष्णो देवी मंदिर के चक्कर काट काट कर भक्तों के पैरों में छाले पड़ गए, वो दिन इस साधक की जिंदगी में आ ही गया। साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश सामने प्रकट हो गए। माता दुर्गा को निहारती इसकी आंखें उसे करीब से महसूस करना चाहती थी। माता दुर्गा के साथ पहली बार किसी शख्स ने अपनी सब इच्छाओं का पिटारा खोल दिया। आखिर क्यों माता ने अपने भक्तों को मौत का ऐसा आभास कराया कि जान अटक गई। आइए आपको दिखाते हैं एक माता के परम भक्त की ये पूरी रियल स्टोरी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? चुन्नी लाल है नाम सर। कहाँ से आए आप? मैं लुधियाना डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ सर। चुन्नी लाल जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? 7/5/2017 में लिया सर जी। संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में जाने के बाद आपने नाम दीक्षा ली? हाँ जी, संत रामपाल जी के जेल में जाने के बाद लिया है नाम दीक्षा। पहले क्या साधनाएं करते थे? पहले सभी देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली भवानी सबका पूजा करते थे, हनुमान चालीसा भी पढ़ते थे। कैसे साधनाएं करते थे आप? सर जी मैं मंदिर के पास पूजा करने लग गया देवी का, हठ योग किया, अपने मनमानी आचरण से उनका नाम जपने लग गया कि देवी का दर्शन होगा। फिर मैं ऐसे पलके रोक करके और पूजा करता था, साधना करता था, नाम जपता था, जय माता दी का नाम जपता था। फिर ऐसे मुझे प्रकाश रूप में देवी का दर्शन हुआ मंदिर के ऊपर खंड से। मुझे दिखाई दे रहा था कि त्रिशूल के ऊपर नोक है जो खंड के ऊपर, वहाँ उसके बीच नोक से धुआं निकल रहा है, जो धूप अगरबत्ती जलता है। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे शक्ति है मेरे अंदर भक्ति की। तो मैं देवी से कहा अपने मन के अंदर कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, आप कन्या के रूप में साक्षात रूप में दर्शन दो और मैं आपसे बात करूंगा, तब मैं विश्वास करूंगा। कन्या के रूप में क्यों? आपने ये क्यों नहीं बोला कि आप साक्षात मेरे सामने आओ? हमने वैष्णो माता पिक्चर देखा था, इस कारण से उसी के माध्यम से हमने बोला कि कन्या के रूप में जैसे दर्शन देती हो आप उसमें फिल्म में, ऐसे हमको भी दर्शन दो। अच्छा, तब मैं मानूंगा। अच्छा, फिर ऐसे नहीं मानूंगा। फिर देवी दर्शन नहीं दे रही थी, रोज शाम को प्रकाश रूप में दर्शन देती थी। जब मैं हठ योग करता था, भक्ति पे लग जाता था, ऐसे ऐसे 1 महीना 7 दिन हो गया मंदिर के पास, तो फिर दर्शन नहीं हो रहा था। फिर एक दिन 1 महीना 7वां दिन जिस दिन हुआ, उस दिन सुबह मैं हठ योग कर लिया कि आज अगर दर्शन दोगी नहीं तो मैं आपका नाम जपते जपते मैं प्राण त्याग दूंगा, या तो प्राण जाएगा या तो दर्शन दोगी आप। फिर 4 बजे तक मैं अन्न जल नहीं किया सर जी। फिर उसके बाद मैं नाम जपता रहा। फिर मेरे अंदर ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैं नाम जपते जपते उठकर 4 कदम रोड के ऊपर जा करके और मैं एक पैर पे गन्नदे नाच गया। फिर नाचने के बाद मैं सब लोग गाड़ी मोटर रोक रोक करके और मेरा पांव छूने लगे कि पृथ्वी पर शंकर जी उतर आए हैं, शंकर जी उतर आए हैं। मैं बोला नहीं, मैं शंकर जी नहीं हूँ। तो इतने में 42 देवता आ गए, सब आदमियों के रूप में, कहते मैं ब्रह्मा हूँ, ये विष्णु है, हनुमान जी है, ये सब ये है। वो 42 देवताओं आ करके मुझे वहाँ से उधर रख बाग की तरफ ले गए। तो वहाँ रख बाग में ले गए और जो हनुमान जी कहते थे हम हैं, वो मेरे पैर के तालू को जूते से ठुकाई किया, फिर मेरे को उठा के बैठा दिया। फिर देवी ने सामने प्रकट हुई और बोली कि बेटा पहचाना मुझे? मैं कहा माँ को कौन नहीं पहचानेगा अपने। फिर मैं प्रणाम किया माता को। प्रणाम करने के बाद फिर देवी बोली कि मुझे ध्यान से देखो। मैं एकदम बिल्कुल ध्यान से देखा देवी को,
देखते देखते पलक यूं झपा कि देखा कि उसका आधा एक पैर यहाँ से कटा हुआ था, है नहीं। मैं कहा, देवी ये क्या, अभी तो देख रहा था कि आपका पैर, आपका शरीर पूरा ठीक था और एक पैर क्या हो गया। देवी ने कहा कि अगर बेटा मैं तुम्हें दिखाऊंगी नहीं तो तुम कैसे जानोगे कि हमें दुर्गा जी साक्षात रूप में दर्शन दिया था, मिली थी। सर जी फिर पलक झपते ही देखा, फिर बराबर हो गया, फिर हमें विश्वास हुआ कि ये आदिशक्ति जगदम्बा है, प्रकृति दुर्गा अध्या माया महाशक्ति है। उससे आपको क्या लाभ मिला? आपने देख लिया, उनके दर्शन किए, आपने क्या मांगा देवी दुर्गा से, माता जी से, और क्या लाभ मिला आपको? उसके बाद में तो देवी ने कहा, बेटा मैं प्रसन्न हूँ, जो मांगना है आप मुझसे मांगो। क्या मांगा आपने? तो हमने उनसे कहा कि जो मांगूंगा आप दे नहीं पाओगी। देवी ने कहा कि हम सब कुछ हैं, हमसे ही सारी सृष्टि है, मैं सृष्टि का सारे मालिक हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश का सबका मालिक मैं ही हूँ, और तुम क्या मांगोगे कि मैं नहीं दे पाऊँगी। तो मैं कहा, मुझे ना बेटा चाहिए ना बेटी चाहिए, ना औरत, ना माँ, ना बाप, ना कोई राजपाठ, ना शक्ति वक्ति, कुछ नहीं चाहिए ये सब। कहीं यही मनुष्य मांगता है, तब तुम क्या चाहते हो? तो मैं बोला कि माता से कि मुझे पूर्ण मोक्ष चाहिए। तो माता ने कहा कि नहीं, पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता मेरे पास, आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों बोला दुर्गा देवी ने? दुर्गा ने बोला कि इस कलयुग में किसी की भक्ति पूरी नहीं होगी बेटा, तुमको दोनों पन में रहना पड़ेगा। तो इतना कहते हुए उसने और मेरे को ले गई, एक मंडप था उसके वहाँ, और आम का पत्ता लिए हुए थी, तो मुंह खोलो बेटा, तो मैं मुंह खोला तो मुंह में अंदर ले गई और तुरंत निकाल लिया, अगर अंदर एक सेकंड भी रोकती तो प्राण निकल जाता। मैंने कहा, माता ये क्या बात है, आप तो अभी तुम हम प्राण निकल जाता हमारा। कहती है, मैं जो भक्ति नहीं करते हैं, भक्तिहीन प्राणी को मैं ऐसे ज़बरदस्ती मारती हूँ, मेरे दूत मारते हैं, मेरे को कोई देख नहीं पाता है। मैं कहा, मैं सुना तो था पहले संतों द्वारा, लेकिन आज मैं देख भी लिया। तो माता से मैंने प्रश्न किया कि माता, जो भक्ति करते हैं उनका प्राण तो आप नहीं भक्ति करते हैं, उनका ऐसे निकालती हो, जो भक्ति करते हैं उनका प्राण कैसे निकलता है? माता ने कहा, ये भी बताऊँगी बेटा। बताया कि जैसे माँ के बच्चा पैदा होता है और माँ अपने बच्चे को अपने गोद में लेकर अपना दूध पकड़ा देती है और आँचल डाल देती है ऊपर से, और बच्चा दूध पीते पीते माँ की गोद में सो जाता है, ऐसे हमारे भक्तों का प्राण निकल जाता है। उसके बाद में माता अंतर्ध्यान हो गई पलक झपते ही, और हम वहाँ से चले गए। फिर मेरा शादी हुआ, विवाह हुआ, बच्चे हुए, फिर मैं लुधियाने में आकर रहता था 20-25 साल से। तो उसके बाद में मेरा मुंडा डेथ हो गया, 1 महीना 5 दिन दवाई कराया और मुंडा डेथ हो गया। मुंडे के बाद में 24 दिन के बाद जनानी को हार्ट अटैक हुआ, जनानी भी 1 घंटे में डेथ हो गई। अब हमारे पास 4 लड़कियां 2 लड़के हैं। तो बहुत दुखी हो गया सर जी मैं, और मेरा आत्मा बहुत दुखी हो गया, और मैं बहुत परेशान था कि मैं आत्महत्या करूं, कहां जाऊं, कहां परमात्मा मिले, मेरे को शांति चाहिए था। क्यों, जो भक्ति आप कर रहे थे, जिस भक्ति को करने से देवी दुर्गा तक ने आपको दर्शन दिए, 42 देवताओं ने आपको दर्शन दिए, क्या आपको उस भक्ति से कोई लाभ नहीं हो रहा था? नहीं लाभ हुआ सर, नहीं लाभ हुआ उससे। दुर्गा से बहुत प्रार्थना की मैंने, जब लड़का बीमार था, औरत बीमार थी, बहुत बहुत नाम जपा, लेकिन दुर्गा ने कोई सुनवाई नहीं किया, कुछ नहीं सुनाई पड़ा, कुछ कोई फायदा नहीं हुआ। हो सकता है आपसे कोई गलती हो गई हो बीच में? सर जी, अब गलती उसमें कोई नहीं हुआ, मैं पूरा जानता हूँ, लेकिन दुर्गा ने कोई मदद नहीं करी। तो फिर कैसे आगे क्या हुआ फिर? आगे फिर ऐसा हुआ कि मैं रेड़ा चलाता हूँ, गेड़े फेरे का काम करता हूँ, तो फोकल पॉइंट 4 पैसे में गेड़ा लेकर गिल रोड गया था, और वहाँ से फिर गेड़ा मिल गया था। मैं शेरपुर चौक में जब पहुँचा तो मैं सोच रहा था कि अब मैं चला जाऊँगा हिमालय पर्वत पर,
और वहीं पर ऐसी तपस्या करूँगा, हठ योग फिर करूँगा और शरीर को गला सड़ा दूँगा। यही सोचता था और जा रहा था गैसपुरा फाटक की तरफ, और फाटक के उससे इधरे उरे ही मोगा टायर के सामने रोड पे कन्याएं चार खड़ी थी, पुस्तकें सेवा कर रही थी, और मालिक की दया हुई परमेश्वर की, और मेरा नज़र ऐसे घूमा तो मैं देखा कि कन्या सेवा कर रही हैं, और फटाफट रेड़ा साइड किया कि पुस्तक से ही हल मार्ग मिल सकता है, क्या पता। दौड़ के पुस्तक लिया 20 रुपये का ज्ञान गंगा, और उस पुस्तक को ले जा करके मैं वहाँ पढ़ा जहाँ फैक्ट्री में रहता था ऊपर, और ज्यों पढ़ने लग गया त्यों मेरे अंदर शक्ति आने लग गई और ज्ञान प्राप्त होने लग गया। परमात्मा चुम्बक की तरह खिंचाव पैदा किया, ज्ञान होते गया होते गया होते गया। फिर मैं पढ़ते गया पढ़ते गया, 3-4 दिन लगातार पुस्तक पढ़ता रहा ज्ञान गंगा। फिर मेरे अंदर तड़प बनी कि कब नाम लें परमात्मा का। उसमें सब लिखा हुआ था कि जो भक्ति नहीं करेगा कुत्ता गधा सुअर बनेगा और 84 लाख यूनियां भोग करेगा, बहुत दुख उठाएगा, काल के दूध कूट कूट के यम के दूध प्राण निकालेंगे। मेरे को जिसे उस ज्ञान गंगा के माध्यम से ये पता चला कि दुर्गा से भी ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कोई ऊपर शक्ति है। मैं नहीं जानता था सर जी कि कोई और भगवान है, मैं आदिशक्ति जगदम्बे को ही जानता था कि सारी शक्ति का सृष्टि का मालिक है। तो ये ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से मुझे पता लगा कि भगवान कोई और है, वो सतलोक में रहता है, उसका नाम कबीर है, सतपुरुष अकाल मूरत सप्तस्वरूपी राम आदि राम आदि याद करके उस परमेश्वर का नाम है। उस पुस्तक के माध्यम से मुझे ज्ञान हुआ ज्ञान गंगा से। पुस्तक को पढ़ने के बाद हमारे को ज्ञान हुआ कि यही ज्ञान है सच्चा, और हमारे पृथ्वी पे रामपाल जी संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं और उनके पास ही मोक्ष मार्ग है। सर देखिए, एक पुस्तक के पढ़ने से आपको ज्ञान हुआ कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं और ये मोक्ष मार्ग है, लेकिन आप कह रहे हैं कि पहले भी जो आप भक्ति कर रहे थे उनसे आपको शक्तियाँ प्राप्त हुई लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, आपको आत्मिक शांति नहीं मिल रही थी, जीवन में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, दुख का सामना करना पड़ा। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्राप्त भक्ति को पूर्ण भक्ति बता रहे हैं, क्या इस भक्ति को करने से आपको शांति प्राप्त हुई या आपकी ज़िंदगी में जो दुख थे वो दूर हुए? जी सर बिल्कुल, संत रामपाल से दीक्षा लेने से मेरी सारी समस्या दूर हुई। आत्मिक शांति मिली आपको? हाँ जी हाँ जी, वो बिल्कुल शांति मिली जो चाहिए था मुझे। अच्छा देखिए, बहुत बड़ी बात है कि देवी दुर्गा के आपने दर्शन किए, बहुत सारे देवताओं के आपने दर्शन किए, उसके बाद भी आपका मतलब जो आपका शारीरिक कष्ट था, आपकी जो शारीरिक समस्याएं थी, मानसिक समस्याएं थी, और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या बदलाव आया आपके जीवन में? सर जब सबसे बड़ी लत हमारे को लगी हुई थी नशे वाली, हम दारू शराब मांस मदिरा खाते पीते थे, बीड़ी सिगरेट पीते थे, और हमें बीड़ी का बहुत अमल ज़्यादा था। मैं 1 महीना बीड़ी छोड़ दिया था एक बार कि खांसी आएगा और कफ जम जाएगा, बीमार हो जाऊँगा, तो मेरे पेट में गैस बन रहा था और मैं फिर से बीड़ी पीना शुरू कर दिया, और बीड़ी मैं सोचता था कि बीड़ी नहीं छूटेगा, अब कभी नहीं छूटेगा, मरते जब बूढ़ा हो जाऊँगा और जब मरना होगा तब मैं बीड़ी जला के 2 फूंक पी करके तब मरूँगा, बीड़ी नहीं छूटेगा। सर मेरा सारा नशा सब धूल की तरह उड़ गया, और आज जो कोई बीड़ी तंबाकू पीता खाता है, देखता हूँ बनाने जाता है जलाने जाता है, मैं उससे दूर भागता हूँ, ऐसे ही है सर। और क्या लाभ मिला? और लाभ क्या है, सबसे बड़ा लाभ तो हमारा ये है सर जी कि मुझे मोक्ष मार्ग मिला और मेरा आत्मा का जो है भ्रम निवारण हुआ। अच्छा सर, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो तीर्थों पे जाते हैं, केदारनाथ मंदिर माता दुर्गा के दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी जाते हैं और चाहते हैं कि माता दुर्गा उनको दर्शन दे, और आपको उनके दर्शन करने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिला और
और उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, और जो लोग माता के दर्शन को ही मोक्ष मानकर बैठे हैं और चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से देवी दुर्गा उनको दर्शन दे दे, तो क्या दर्शन करने मात्र से ही मोक्ष हो जाएगा? नहीं सर, उससे दर्शन से कोई मोक्ष नहीं होगा। जो सत्य भक्ति रामपाल संत रामपाल जी के महाराज के पास है, मोक्ष मंत्र है, जो उस मंत्र के द्वारा ही आत्म कल्याण होगा सर। वो मूल मंत्र हमारे गुरु जी के पास है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को क्या संदेश दूंगा सर, यही है, हम तो विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के, कि जगत में गुरु संत रामपाल जी आए हुए हैं और अपना नाम दान ले करके और आत्म कल्याण करवाओ। सभी प्राणियों से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी से दीक्षा लेकर और अपना आत्म कल्याण करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सही।